फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं फड़तूस नहीं कारतूस हूँ, झुकेगा नहीं सीधा घुसेगा। वे नागपुर में सावरकर गौरव यात्रा के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इस समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांतक्का, पूर्व सांसद अजय संचेती, सांसद कृपाल तुमाने, विदर्भ प्रांत संघ चालक राम हरकरे, राजे मुधोजी भोसले आदि प्रमुखता से उपस्थित रहे। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। आगे बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हालांकि राहुल गांधी सावरकर का तिरस्कार करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूं। वास्तव में राहुल ना तो सावरकर है और ना ही गांधी। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी सावरकर की महानता और बलिदान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। पूर्व महापौर संदीप जोशी ने इस गौरव यात्रा की सभा का संचालन किया। कारण क्या था जो डॉक्यूमेंट फैक्ट और जो वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोल रहा है उन तीनों के साथ दिखाई पड़ता है। यदि वीर सावरकर की दूरदृष्टि नहीं होती तो भारत की स्वतंत्रता का वह स्वरूप उभर कर सामने नहीं आता। मगर अफसोस कि वो लोग जो लोग हमारे विचारों के खिलाफ, वीर सावरकर जी के खिलाफ कितना भी बोलते रहते हैं, यात्रा भी निकालते रहते हैं, विदेश में भी जाते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मगर अभी मंजिल तो नहीं पा पाए, आदत भी नहीं बदली है। उनकी तो हालत यह है, सेक्युलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहो, फिर मनगढ़ंत इतिहास के द्वारा कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते रहो। सावरकर जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान करते रहो, मगर उसका निष्कर्ष क्या हुआ? इनका निष्कर्ष यह है कि इनके लिए वो हालत लागू होती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। और हरना करता ना कशा प्रकारे आपला देश स्वतंत्र होऊ शकेल याचाच विचार ज्यांच्या मनामध्ये आहे, तुम्ही विचार करा। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्यावेळी विदेशी वस्तूंवर त्या ठिकाणी बहिष्कार करायला सांगितलं, विदेशी वस्तूंची होळी केली, त्यावेळी सावरकरांचं वय काय होतं? त्यावेळी सावरकर कुठल्या विचारांना प्रेरित होते? आणि हे सावरकर ज्यावेळी लंडन मध्ये जातात आणि त्या ठिकाणी इंडिया हाऊस मध्ये बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण घेतात, त्या ठिकाणी बंदुका भारतामध्ये कशा पाठवायच्या या संदर्भातलं अनुसंधान करतात आणि सशस्त्र क्रांतीचा नारा देत एकेका भारतीय क्रांतिकारकाला त्या ठिकाणी प्रेरित करतात, पहिल्यांदा मॅझिनीचं चरित्र लिहितात आणि त्यानंतर 1857 ची लढाई हे शिपायांचं बंडन नव्हतं, 1857 ची लढाई हे भारताचं पहिलं स्वातंत्र्य युद्ध होतं हे सांगणारे आणि लिहिणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते। आपल्याला आश्चर्य वाटेल, राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केलेला, खरं म्हणजे मनाचा मोठेपणा दाखवून त्यांनी या बाबतीत भारतीय समाजाची क्षमा मागितली पाहिजे असा अक्षम्य अपराध त्यांनी केलेला। आताच सांगितलं की इंदिरा गांधींनी त्यांच्याबद्दल काढलेले उद्गार काय होते, पार्लमेंट मध्ये त्यांच्या आजोबांनी काढलेले उद्गार काय होते। मला नेहमी वाटतं की आपले जे देशभक्त क्रांतिकारक स्वातंत्र्यवीर आणि थोर महात्मे होऊन गेले, आपण नेहमी म्हणतो की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे भूत का। पण सावरकरांचा अपमान करायचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? आणि हे करून त्यांनी त्यांचंही नुकसान केलेलं। आणि निश्चितपणे या देशावर प्रेम करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान कधीही सहन होणार नाही, ही गोष्ट त्यांनी पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।